नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति भारती आज बनाने वाली हूँ सभी मोमोज से अलग हटकर चटनी मोमोज तड़का। तो चलिए दोस्तों, आगे डो लगाने के लिए बताऊंगी। देखिए 500 ग्राम मैदा ले ली हूँ और इसमें कुछ तेल 2 चम्मच डले हैं। अब इसे मैं डो लगाकर 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। दोस्तों चलते हैं स्टफिंग की ओर। स्टफिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें लिए हैं, ये प्याज, ये हरी मिर्च, ये धनिया की पत्ती, ये अदरक लहसुन, ये गाजर, ये पत्ता गोभी, ये सभी को मैंने क्रश कर लिया है। अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें तेल गर्म हो चुकी है। अब सारी मसाले इस तेल में डाल देंगे। ये सारे मसाले इसमें डल गए हैं। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, फिर कचा पनीर निकाल लेना है। इसके बाद पनीर भी डालेंगे। ये पनीर सभी डल गए हैं, ये पनीर क्रश किया हुआ है। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, इसलिए पनीर भी सभी डल गए हैं। 1 मिनट तक सभी को चला लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक काली मिर्च पाउडर है, शिमला लाल मिर्च पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये सभी डाल दिए हैं। 1 चम्मच टोमेटो सॉस डालना है, ज़्यादा नहीं। एक चम्मच सोया सॉस डालना है, 1/2 चम्मच और डाल दिए हैं। देखिए सभी को मिला लेती हूँ। देखिए 1 चम्मच नमक भी मिक्स कर देते हैं, ज़्यादा नमक नहीं मिक्स करना है, आप स्वाद अनुसार मिक्स करें। देखिए 1 मिनट हो गए हैं, मिक्स अच्छी तरह से हो चुके हैं। देखिए ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे बॉल में निकाल लेती हूँ। मैं सारी बॉल में निकाल कर रख लेती हूँ। चलिए डो देख लेते हैं, डो का क्या हाल है। डो देखिए बहुत सॉफ्ट अच्छे हुए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं हुए हैं। ये रोटी के आटे की तरह हो गए हैं। थोड़ा तेल हाथ में लगा लेती हूँ, अच्छे से मल लेती हूँ। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे हो गए हैं। इसे मैं छोटे छोटे पीस में छोड़ लूँगी, छोटे छोटे पीस में गोल कर ली हूँ। सारी पीसे तैयार कर लूंगी। ये सारे गोले हो चुके हैं। अब मैं पूरी के शेप में बेल लेती हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं होनी चाहिए। अब मैं सारी पूड़ियाँ बेल चुकी हूँ। अब मैं इसे स्टफिंग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मैं किस तरह से स्टफिंग करती हूँ। बीच में से डाल लेते हैं इसे, साड़ी की प्लेट की तरह मोड़ते हैं। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों इसे मोड़ने में। मोमोज बनाने में तो ज़्यादा वक्त लगता ही है, इसका प्रोसेस बहुत काफ़ी है। देखिए बीच में डाल लें। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा शेप बने हैं। सारी शेप बना लेती हूँ। ये मोमोज का शेप बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं देखिए इस इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ। इसमें 2 गिलास तक पानी डालेंगे।
देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरह की थाली गोल वाली रख लेते हैं, इसमें थोड़ा तेल को ग्रीस कर लेते हैं। ये दोस्तों एक हाफ बन चुका है, ज़्यादा कम पे नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। देखिए तीन पे रखना है और इसमें चारों तरफ रख लेती हूँ। ढक लेती हूँ। आप कुकर में भी बना सकते हैं, इडली वाले बर्तन में भी बना सकते हैं, भाप जिसमें आए उसमें आप बना सकते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे मैं उतार लेती हूँ, दूसरा ट्रिप चलाने वाली हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए 4 बड़ा टमाटर लिए हैं, 6-7 पीस इस तरह की मिर्च लिए, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। मैं इसे सस्पेन में डालकर थोड़ा कट कर लेती हूँ। इस प्रकार से कट करने से सही रहता है छिलका उतारने में। देखिए इसमें थोड़ा पानी डालते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे ढक देते हैं, 2 मिनट के बाद ये पक जाएंगे। ये 2 मिनट में पक गए हैं, इसे छिलके निकाल कर और मिर्च और टमाटर को काट कर जार में डालेंगे। देखिए दोस्तों ये फाइन पेस्ट हो चुके हैं, अब इसे मैं तड़का लगाने वाली हूँ। देखिए बहुत अच्छे से फाइन हो चुके हैं पेस्ट। मैं गरम करने के लिए एक कढ़ाई चढ़ाती हूँ, इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं। इसमें तड़का लगाने के लिए काली वाली सरसों डालूँगी। तो तड़क गए हैं, काली वाली सरसों हैं, इसमें कटी हुई अदरक लहसुन डाल देते हैं दोस्तों, और प्याज भी इसमें डाल लेते हैं। इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए ब्राउन हो चुके हैं, इसमें थोड़ा नारियल का बुरादा डाल लेते हैं। देखिए नारियल का बुरादा डाल लेते हैं, ये बाजार से लिए हैं, सूखे नारियल का बुरादा है, आप घर में भी क्रश कर सकते हैं। इसे 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं। इसे 10 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून गए हैं। और जल्दी भूनते हैं, इसमें जो सारे मसाले रिपीट किए थे वही मसाले डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च, मिर्च की पाउडर और जीरा पाउडर, ये सभी डाल लेते हैं। और 2 चम्मच सॉस डाल लेते हैं, इसमें 2 चम्मच सॉस है, टमाटो सॉस है, और 1 चम्मच सोया सॉस है। एक चम्मच इमली पानी है और स्वाद अनुसार डालें नमक।
डालें, इतना सा डालें क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। इसे चला लें। मैं पहले से घोल कर अरारोट का आटा रखी हूँ। देखिए इसे भी डाल लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ग्रेवी बना लें। देखिए बहुत टेस्टी ग्रेवी बनेंगे। ये खोल जाने पर उतार लेंगे, थोड़ा पानी भी डाल लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी ग्रेवी बनने वाली है, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें थोड़ा छोटा चम्मच से 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। देखिए ग्रेवी बनने वाली है। टमाटर का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से मैं डाल लेती हूँ। इसे 10 सेकेंड के लिए और खोला लेती हूँ क्योंकि ये खुद पका हुआ पेस्ट है। देखिए मैं इसे भी मिक्स कर ली हूँ। ये बहुत अच्छी पेस्ट बनती है और तड़का बहुत अच्छे इसके लगते हैं। बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं। अब कोट करने के लिए रेडी कर लेते हैं। देखिए अब इसे ऊपर से कोट कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिखने में सुंदर और टेस्टी चटपटी होती है। सारी मोमोज पर कोट नहीं करेंगे, जिस टाइम खाने के लिए सर्व करेंगे उस टाइम कोट करेंगे और तड़का बचा कर रख देंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। इसे हरी धनिया की पत्ती से गार्निश कर लेती हूँ। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी चटपटी लगेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये बहुत टेस्टफुल चटपटी मज़ेदार बने हैं। ये देखिए खाने में बहुत सॉफ्ट हैं। देखिए इसे मैं काट कर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, खाने में बहुत टेस्टफुल लगेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ट्राई घर पे ज़रूर करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।